इंडिया में टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और लेटेस्ट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड का वो स्कीम है जिसमें कि आपका पैसा जो है मिनिमम लॉकिंग पीरियड के साथ साथ मैक्सिमम रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर आप इस तरह के टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के टैक्स सेविंग प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो न ही सिर्फ आपका टैक्स बचता है, बल्कि आपको कम समय के लॉकिंग के दौरान अधिक वेल्थ बनाने में यह सक्षम होता है। आज हम लोग ट्रेडिशनल प्लान वर्सेस मार्केट लिंक्ड ELSS प्लान की बात करेंगे। मार्केट लिंक्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और प्लान आता है, यूलिप। यूलिप के जरिए भी टैक्स बचाया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ELSS में अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपना वेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो जब PPF जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आप ट्रेडिशनल प्लान की बात हो रही है तो इसमें आप सब इंक्लूड कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, आपका LIC का प्लान हो गया, और अन्य दूसरे ट्रेडिशनल प्लान जिसे कि आप टैक्स सेविंग टैक्स बचाने के लिए आपको एजेंट के द्वारा बेचा जाता है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, वह भी टैक्स प्लानिंग ही होता है। टैक्स तो बच जाता है, लेकिन क्या आपका वेल्थ बनता है, इस बारे में आप सोचिएगा जरूर, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ELSS और PPF में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोनों ही जो है टैक्स बचाने के लिए है, टैक्स दोनों में ही बचता है, ठीक है। पहला स्कीम जो है PPF जो बात की जाए, वह गवर्नमेंट लिंक है, गवर्नमेंट के दौरान ऑपरेट किया जाता है। इसमें फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलेगा, जो गवर्नमेंट हर एक 3 महीने पर जो घोषणा करेगी उसके आधार पर आपको इंटरेस्ट रेट इसमें कम और ज़्यादा होते रहेगा। दूसरा है मार्केट लिंक। मार्केट लिंक्ड कहने का मतलब यह हो कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वह रिटर्न आपका होगा। बेसिकली यह देखा गया है कि लंबे समय, मतलब 5 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहते हैं इस तरह के फंड में, तो 12-15% से ज़्यादा का रिटर्न आपको ईजी वे में मिल जाता है। अगर लॉकिंग की बात की जाए तो सबसे खूबसूरत यहाँ जो है ELSS टैक्स सेविंग प्लान का जो है लॉकिंग पीरियड मात्र 3 साल का होता है। 3 साल के बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप 3 साल के बाद उसे रिडीम कर सकते हैं, अन्यथा उस पैसे को एज इट इज उसी फंड में छोड़ दीजिए। वह फंड अगर अच्छा कर रहा है तो आप उसमें छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर रहा है तो आप उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप उसे दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। जहाँ पर PPF की बात की जाए वहाँ पर आपको लॉकिंग है, कुछ कुछ कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो 7 साल का लॉकिंग होता है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा विड्रॉल करना पड़े तो वहाँ आप निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो उसका लॉकिंग पीरियड 15 साल के लिए होता है। ठीक सेम अगर आप किसी तरह का इंश्योरेंस लेते हैं या किसी तरह का LIC पॉलिसी लेते हैं, वहाँ पर भी 5 साल से ज़्यादा आपको लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद लॉकिंग खत्म हो गया तो फिर इसका टैक्स किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरे कुछ PPF और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। वहाँ पर जो है आपका जो है किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, जितना रिटर्न मिलेगा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ELSS की बात की जाए तो 1 लाख रुपया को छोड़ करके अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 1 लाख रुपया से ऊपर आपका टैक्स है तो सिंपल रेट्स 10% के आधार पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलिए 1,10,000 आपको प्रॉफिट हो गया तो 10,000 पर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। सिंपल 1,000 रुपया टैक्स आपको देने की ज़रूरत है। ये हो गई बेसिक डिफरेंस। अब हम लोग देखेंगे कि जो PPF है उसका रिटर्न हिस्टोरिकल रूप से किस तरह से था। तो जब PPF की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर देखेंगे 1968-69 में जब शुरुआत हुई तो उस समय रेट था 4.8%। यहाँ से कुछ कुछ बढ़ना चालू हुआ, आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, यहाँ पर जो है 12% तक का इनका इंटरेस्ट रेट है। 1999 से 2000 के दौरान जो है इसका रिटर्न जो है 12% चल रहा था। वहाँ से फिर धीरे धीरे इसका गिरना चालू हुआ रिटर्न, मार्केट जो है सॉरी ये PPF का रिटर्न जो है वह गिरना चालू हुआ, और गिरते गिरते आज के डेट में देखेंगे तो इसका रिटर्न जो है हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे 1/4/2020 से लेकर के अब तक जो है गवर्नमेंट जो है आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट कीजिए, उसमें
और आपको फिक्स्ड 7.1% का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट आपको देगी। यह आपको फिक्स्ड रिटर्न रहता है, इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। हाँ, हालांकि अगर बदलाव होते हैं तो वहाँ पर चेंज होगा, उसके अनुसार से चेंज होगा। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की बारे में बात की जाए तो इसमें 10 साल का अगर हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं, 10 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितना खूबसूरत, कहाँ आपको 7% रिटर्न अभी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने क्वांट में अगर इन्वेस्ट किया रहता, क्वांट के ELSS में, तो उसको पिछले 10 सालों में लगभग 20% का रिटर्न मिलता। वही बैंक ऑफ इंडिया में 20% का, कोटक में अगर बात की जाए कोटक का 18.75%, बंधन ELSS में अगर बात की जाए तो 18.66%। वही तर अगर SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात की जाए 7.13%। आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 10 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टेड है तो 15% का, अगर अच्छे म्यूचुअल फंड अच्छे ELSS स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 15% का रिटर्न ईजी वे में मिलने की गुंजाइश रहती है। ये हुई हिस्टोरिकल रिटर्न की बात। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्कीम जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अभी एक दो तीन स्कीम हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्कीम लिया गया है मेरे एसेट का टैक्स सेवर प्लान। यह पिछले कुछ सालों से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर अगर हिस्टोरिकल रिटर्न की बात की जाए 2019 में लगभग 14% का रिटर्न, 2020 में 21%, 2022 में 34%, 2021 में 34%, 2022 में लगभग फ्लैट से निगेटिव रिटर्न रहा है, 2023 में 26% का रिटर्न, और इस तरह से करते हुए 7 साल में लगभग 20% का रिटर्न निकाल करके दिया है। और पिछले 3 साल की बात की जाए तो वहाँ पर 18% का रिटर्न निकल कर आ रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 15% जो हम लोग मान के चल रहे हैं, वहाँ से यह आपको जो है ईजी वे में पूरा करता नज़र आ रहा है, अगर आप 3 से 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो। 3 साल तो आपको लॉकिंग है, उसके बाद आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, अन्यथा उसी म्यूचुअल फंड में दोबारा निकाल करके आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका टैक्स बचाने के लिए। यह सबसे बड़ी खूबी इसकी है। उसके बाद दूसरा स्कीम है सबसे प्रचलित पारंपरिक का टैक्स सेवर ELSS स्कीम, जो इसकी बात करेंगे हम लोग। यह अभी तक देखेंगे किसी भी साल जब से लॉन्च हुआ तब से निगेटिव रिटर्न बिल्कुल भी नहीं दिया, किसी भी साल इसका निगेटिव रिटर्न नहीं है। लॉन्च हुआ 2019 में 4.65% का रिटर्न, लास्ट क्वार्टर में लॉन्च हुआ था। 2020 की बात की जाए 28% का रिटर्न, 2021 की बात की जाए तो 35% का रिटर्न, 2022 फ्लैट से पॉजिटिव रिटर्न लगभग 5% का रिटर्न निकाल करके दिया, 2023 में 26.95 लगभग 27% का रिटर्न, और बीते क्वार्टर में 3.86% का रिटर्न निकल करके आया है। इस तरह से अगर 3 साल की बात की जाए, 5 साल अभी तक इसका हुआ, 20 से 21% का रिटर्न दिया है या पराग पारिक ने विदाउट एनी रिस्क। इसमें रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर है ना, बहुत ही कम उतार चढ़ाव विश्वास करते हैं, साथ ही साथ इसका पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम रहता है। यह बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इसीलिए इसमें बहुत अच्छा रिटर्न निकल करके आता है। ये तो ये हो गया पराग पारिक का टैक्स सेवर प्लान। यह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको लंबे समय में अच्छा वेल्थ बनाना है तो। अब एक लास्ट कैटेगरी आता है जिसमें कि क्वांट का टैक्स सेवर प्लान लिया गया है। क्वांट के टैक्स सेवर प्लान की बात करेंगे हम लोग, जस्ट एक मिनट। हाँ, यहाँ पर देखें क्वांट का टैक्स सेवर प्लान। क्वांट का टैक्स सेवर प्लान ने पिछले 3 सालों में लगभग 27% का रिटर्न दिया है। यह वैसे इन्वेस्टर के लिए है जो कि थोड़ा रिस्क लेना जानते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क लीजिएगा तब आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हैं, मार्केट को समझते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव से आप नहीं घबराते हैं, तो आपके लिए क्वांट का ELSS टैक्स सेवर प्लान बेहतरीन साबित हो सकता है। आप देखिए इसमें 2023 में 29% का रिटर्न, 2022 में जहां पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निगेटिव रिटर्न निकाल करके दिया, यहां लगभग 11% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 2021 में लगभग 58%, 2020 में 47% का रिटर्न। इस तरह से देखेंगे पिछले 7 से 10 सालों में लगभग 30% का ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है टैक्स सेविंग का, इस क्वांट का टैक्स सेवर प्लान।
बीते 3 साल की बात की जाए तो वहाँ पर भी लोगों को 25% से 27% का रिटर्न मिला है इस फंड में। तो आप इस तरह के फंड को देख सकते हैं। इस तरह के फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका जो है वेल्थ बहुत तेज़ी से बनेगा, साथ ही साथ जो है आपका लॉकिंग कम है तो आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए लॉकिंग खत्म हो, किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, या आपको पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ से निकाल कर दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा कैलकुलेटर हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आपने 12,500 रुपया का इन्वेस्ट कर, मान लीजिए टोटल आप टैक्स बचाने के लिए PPF सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 12,500 रुपया पर मंथ, 12,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, यानी 1,50,000 आपको सालाना हो गया, तो उसमें कितना रिटर्न निकल करके आएगा? तो 12,500 रुपये अगर मंथली इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए PPF जैसे स्कीम में, PPF जैसे स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आज मान के चलते 7.1% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू लगभग 22,50,000 के आसपास होता है, जिस पर आपको जो है टोटल कॉर्पस जो है 40 लाख का बनता है और गेन जो होता है 17.70, 17,70,000 आपका टोटल गेन, बहुत ही अच्छा रकम बन के निकल करके आ रहा है। 22 लाख के इन्वेस्टेड, 15 सालों के बाद 40 लाख का अमाउंट आपके हाथ में। अब ये तो हो गया बेसिक फंडा, जो कि आम जिंदगी जिसको बोलते हैं, आम जो लोग करते हैं वह है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, इतने पैसे में आपको डबल बन के जाएगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो 15 साल के बाद जो है म्यूचुअल फंड में अक्सर यह देखा गया है कि अगर आप 7 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, 7 या 9 साल से ज़्यादा, तो म्यूचुअल फंड में निगेटिव रिटर्न मिलने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो जाती है अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं तो। अब देखिए म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहाँ पर हमको अमूमन 12-15% का रिटर्न मिल करके, अभी तक जो तीनों स्कीम देखे हैं उसका एवरेज रिटर्न निकाल करके देखिएगा पिछले अगर 5 सालों की, तो वहाँ पर 15% का ऊपर का रिटर्न आता है। हम लोग 15% मान के चलेंगे, अमाउंट वही सेम रहेगा। ELSS फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,500 यानी 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 सालों के लिए, जिस पर कि 15% का रिटर्न मिलता है। अमाउंट सेम इन्वेस्टेड कर रहे हैं, 22,50,000 अमाउंट इन्वेस्टेड कर रहे हैं, जिस पर आपको मैच्योरिटी वैल्यू लगभग लगभग 84 लाख, कहाँ पर 40 लाख, कहाँ पर 84 लाख, सीधा सीधी डबल, उतना ही टाइम पीरियड, उतना ही पैसा में। तो कौन नहीं चाहेगा कि अधिक पैसा मिले? तो आप इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए ना, तभी तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर गेन हो रहा है 62 लाख रुपये का। हाँ, अब टैक्स ट्रीटमेंट की बात अलग है, हो सकता है 1-2 लाख रुपये टैक्स देना पड़ जाए आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप दे दीजिए ना, भर दीजिए टैक्स 10%, इसका जो गेन हुआ इस पर 1 लाख हटा दीजिए, 61 लाख का आप 10% टैक्स दे दीजिए यहाँ पर, बाकी पैसा आपका। फिर भी PPF से ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग तो इसीलिए सोच समझ के नहीं करते, हमको टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हम क्यों टैक्स दें? भाई टैक्स देने से अगर आपका पैसा ज़्यादा बन रहा है तो हम तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक टैक्स दे गवर्नमेंट को। तो ठीक है, सोच आपकी, नज़रिया आपकी। तो इस तरह से आप अगर PPF और ELSS में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि आप थोड़े पैसे जो है PPF में डालें और अधिक से अधिक पैसे जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालिए, जहां पर कि पैसा आपका तेज़ी से ग्रो होगा। तेज़ी से ग्रो होने के साथ साथ उसमें लॉकिंग पीरियड कम होता है, और लॉकिंग पीरियड कम होने के कारण आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने सोचा है अगले साल अगर टैक्स बचाना है, तो आप जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए, आज ही कीजिए, अभी से कीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म, अच्छे से प्लेटफॉर्म देख करके कीजिए, खा आप